नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सोशल मीडिया में एक सवाल बड़ी तेजी से उठ रहा है, जिसमें ये पूछा जा रहा है सवाल कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। जी हाँ, ये सोशल मीडिया में तेजी से तैर रहा है और ये सवाल जो है दिल्ली की सड़कों पर भी पिछले दिनों चस्पा मिला था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। तो ये मामला जो लोग सवाल उठा रहे थे वैक्सीन पर, दरअसल वैक्सीन की किल्लत देश में साफ तौर पर नजर आ रही है। भले ही 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, दावा किया जा रहा है, लेकिन तमाम जगहों के हालात जो दिख रहे हैं, वैक्सीन की कमी घोर किल्लत है। 18 प्लस वालों की कई जगह तो वैक्सीनेशन की शुरुआत हो भी नहीं सकी है, वैक्सीन की कमी दिख रही है लगातार, चाहे बिहार हो या तमाम राज्य, जहां 18 प्लस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो जरूर कराए जा रहे हैं, पर वैक्सीन के अभाव में लोगों को घर वापस लौटना पड़ रहा है, खाली हाथ वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। इस बीच ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। दरअसल 18 प्लस से वाले को दिया जा रहा है वैक्सीन और नीचे, उससे नीचे वाले जो हैं फिलहाल अभी वो वंचित हैं वैक्सीन से। तो इस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इस बड़ा सवाल खड़ा होने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष जो हैं बिहार के तेजस्वी यादव, वो भी सामने आ गए हैं और PM मोदी के अंदाज में ही उनसे सवाल पूछ दिया है। तेजस्वी यादव ने जो कहा है ट्वीट करके, हम आपको बता रहे हैं, वाजिब सवाल का जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं तो सवाल पूछने वाले को गिरफ्तार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं, पीएम मोदी ने जिस तरह से सवाल पूछते हैं, पीएम मोदी जिस तरह से सवाल पूछते हैं मंचों से, देखते होंगे अक्सर कि ये काम करना चाहिए कि नहीं, कुछ उसी अंदाज में तेजस्वी यादव ने अब इस सवाल पर सवाल खड़ा कर दिया है, पीएम मोदी से ही सवाल खड़ा किया है। और क्या कुछ करें फिर से एक बार आपको हम सुनाते हैं, वाजिब सवाल का जवाब देना चाहिए कि नहीं, जवाब नहीं तो सवाल पूछने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, इस तरह की बात कर रहे हैं। और लिखते हैं तेजस्वी यादव ने तगड़ा हमला बोला है ये लिखते हुए, ये और ये तस्वीरें शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। आपको हम बताएं इस मामले को लेकर जो ये पोस्टर है इस पर बवाल मचा हुआ है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर ये पोस्टर जो है तमाम जगहों पर लगाए गए थे। इसे लेकर 17 लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई थी और 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, ये सवाल जब उठाया गया पोस्टर के जरिए दिल्ली की सड़कों पर, तो सरकार ने कार्रवाई कर दी उनके खिलाफ। अब ये सोशल मीडिया में तैर रहा है और सोशल मीडिया में जब ये सवाल तेजी से तैर रहा है, सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सरकार ने जिस तरह से वैक्सीनेशन में पिछड़ती नजर आ रही है और तमाम जो दूसरे देश हैं वो वैक्सीनेशन करके कोरोना से कहीं ना कहीं बहुत हद तक निजात पा चुके हैं, लेकिन भारत में स्थितियां सुधर नहीं रही हैं, जो हालात हैं कोरोना के वो बार बार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर वैक्सीनेशन में तेजी क्यों नहीं आ रही है। वैक्सीनेशन जरूरी है, खुद सरकार भी कहती है, खुद पीएम मोदी भी कहते हैं कि वैक्सीनेशन से जो है कोरोना को दूर भगाया जा सकता है, कोरोना कंट्रोल किया जा सकता है। इसका उदाहरण दूसरे देशों में देखने को भी मिला, जिस तरह से वैक्सीनेशन के बाद अब दूसरे देशों में चेहरे पर से मास्क उतरने की भी तैयारी चल रही है, उस घड़ी में भारत अभी कोरोना संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। जी हाँ, भारत में जिस तरह के हालात हैं, बिल्कुल अगर कहें कि मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात है भारत के अंदर, तो इससे कोई गुरेज नहीं किया जा सकता है। तो उस वक्त में ये सवाल खड़े हो रहे हैं और उस सवाल के साथ अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव भी खड़े हो गए हैं और उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया है सरकार पर, पीएम मोदी के उसी अंदाज में वो सवाल पूछ रहे हैं। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, वाजिब सवाल का जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं तो सवाल पूछने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, कुछ मोदी के अंदाज में ही वो सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी इस मुहिम के साथ तेजस्वी यादव जुड़ गए हैं और पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, यानी बिहार की सियासत से नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलते बोलते अब पीएम मोदी के खिलाफ भी हमलावर हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।